आज एलजी महोदय से जो आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने समय मांगा था वो तीन मुद्दों पे था। पहला मुद्दा था कि जो एमसीडी के तरफ डीडीए का 1555 करोड़ का बकाया है, अगर वो दे दिया जाए तो सैलरी का जो ये मुसीबत दिखाया जा रहा है एमसीडी के द्वारा भाजपा प्रेरित, वो तुरंत समाधान उसका मिल सकता है। तो एलजी महोदय ने उस पर कहा है कि वो बनता नहीं है, उस पर राजनीति हो रही है, बट फिर भी हम लोगों ने अपना जो हमारी चिंता थी उसको उनके सामने रखा। दूसरी बहुत भारी चिंता हम सबको है कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने डीडीए के बहुत सारे जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, और जब तक इनसे कब्जा नहीं हटाया जाएगा तब से ये आशा करना कि डीडीए के जरिए जो और भी काम हो रहे हैं वो हो सकता है वो नामुमकिन है। जैसे कि जो माननीय एमपी हैं प्रवेश जी, उनके रिश्तेदार के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है महपालपुर में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। दूसरा, जो पीछे एमएलए थे ओखला के, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो भी मामला इनके पास निलंबित है आसिफ जी का। और तीसरा, शैलेंद्र सिंह मोंटी हैं, भाजपा के काउंसलर हैं, द रोज नाम के होटल चला रहे हैं वो, जो कि रोज गार्डन जो डीडीए का लैंड है उसके ऊपर बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं इसलिए वो गिरा नहीं सकते। ऐसे कई मामले हैं, कई लोगों ने स्कूल बना रखा है, कई लोगों ने घर बना रखा है। और तीसरा एक बहुत बड़ी मुसीबत हम सबके सामने है कि पुलिस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे पास था, थाना लेवल कमेटी। थाना लेवल कमेटी के जरिए, जिसका चेयरमैन एमएलए होता है क्षेत्र का, उसके जरिए पुलिस और पब्लिक के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करने का प्रावधान था। बट फॉर अननोन रीजंस, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द कंसर्न पीपल, अभी तक थाना लेवल कमेटी का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। तो क्षेत्र का विधायक इस मुसीबत में है कि क्षेत्र की जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके पास लोग अप्रोच करते हैं, उसको किस तरह सुलझाए। तो इन तीनों मामलों को हमने एलजी महोदय के सामने रखा, और हम में से कई साथी ने, जैसे अलका ने रखा है कुछ स्पेसिफिक इश्यूज लैंड इंक्रोचमेंट का, इस तरह से हाजी साहब ने कुछ इंक्रोचमेंट का स्पेसिफिक इशू रखा है, हमारे कई मित्रों ने रखा है, वो सारे पेपर्स एलजी महोदय को देके आए हैं, और उन्होंने वादा किया है कि इस पर वो पूरे ढंग से कार्रवाई करने की उन्होंने हमें प्रॉमिस किया।